मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं चुनाव आचार संहिता क्या होती है इस बारे में बताने जा रहा हूं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम आदि में चुनाव होने वाले हैं। जैसे ही तारीख चुनाव की डिक्लेयर होगी ये आचार संहिता लगा दी जाएगी। और इस आचार संहिता का क्या लाभ होगा स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में, इसके लिए चुनाव आयोग इसकी व्यवस्था करता है। तारीख डिक्लेयर होते ही ये चुनाव आचार संहिता में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और इसमें बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लग जाता है। वो कौन कौन से प्रतिबंध हैं, क्या इसकी उपयोगिता है, ये सब इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो ये जो चुनाव हैं सभी राज्यों में आचार संहिता जो मैंने अभी बताया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना आदि, इसमें कोई भी ये आचार संहिता जब से लगेगी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री किसी भी तरह की कोई शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण आदि की घोषणा नहीं करेंगे। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों इसके लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है और इन नियमों के तहत ये चुनाव आचार संहिता लगाई जाती है। इनका उल्लंघन ना हो और सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की ये जिम्मेवारी है कि वो आचार संहिता का पालन करें। चुनाव के वोटों की गिनती होने तक ये लागू रहती है और इलेक्शन प्रक्रिया के खत्म होने तक इसे, जब ये रिजल्ट आ जाते हैं तब तक लागू रखा जाता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 234 अनुच्छेद 234 में इस बारे में प्रावधान दिए गए हैं और सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगी जाती है इसमें, जिससे चुनाव प्रभावित ना हो, सरकारी तंत्र का किसी तरह का दुरुपयोग ना हो। किसी अधिकारी का ट्रांसफर यदि करना आवश्यक है तो चुनाव आयोग की अनुशंसा या अनुमति के बाद ही किया जाता है। सरकारी वाहन के उपयोग को वर्जित हो जाता है। आधिकारिक चर्चा हेतु निर्वाचन कार्य में लगे हुए लोगों को नहीं बुलाया जा सकता है। इसके अलावा पायलट कारिंग कार जो चलती है या बीकन लाइट का उपयोग नहीं होगा। MP MLA अपने फंड से किसी को पैसे नहीं दे सकते हैं और इसके अलावा सरकारी राशि का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। सरकारी विमान और बंगलों पर भी प्रतिबंध हो जाता है। चुनाव प्रचार की घोषणा होने पर लोकार्पण वगैरह जैसा मैंने बताया, और किसी भी धर्म के लोगों से वोट आदि के लिए नहीं कहा जाएगा। तो ये कुछ प्रतिबंध इस तरह के हो जाते हैं और आचार संहिता एक दो दिन बाद अब लगने की पूर्ण संभावना है सभी राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं। इससे इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। तो इससे सरकारी तंत्र का किसी प्रकार का दुरुपयोग ना हो, इसका मुख्य पर्पज यही है। तो मैंने ये वीडियो सरल भाषा में आपको बताया, भूमि पूजन, लोकार्पण, घोषणा वगैरह नहीं होगी, किसी तरह की मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होगा, सभी चुनाव दल आचार संहिता का पालन करेंगे, ऐसा चुनाव आयोग के कुछ नीति और नियम है जिसका पालन सभी दलों को करना चाहिए। मित्रों वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं छोटी छोटी सरल भाषा में जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपको दे रहा हूं। चैनल से जुड़े रहिए, आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है, इसके लिए हृदय से आभारी हूं। सॉरी, इस एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है, कृपया उस चैनल को भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।